तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गणित का एक बेहतरीन सवाल लाया हूं। निश्चित रूप से ये जो प्रश्न है बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, या फिर ये कहा जाए गणित का एक अद्भुत पहेली कहा जाए। हालांकि गणित के जो पहेली होते हैं उसमें गणित के कुछ ना कुछ ट्रिक छुपे होते हैं। तो यहां पर देखिए, हमने तीन बहन ले रखे हैं, सीता, गीता और मीना, तीन बहन है, इनके दो भाई हैं। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन में राखी बांधने के बाद मिठाई खिलाया जाता है, वैसे ही एक त्यौहार आने वाला है भाई दूज। दीपावली के बाद आता है भाई दूज। तो यहां पर क्या होने वाला है, सीता, गीता और मीना जो है भाई दूज में अपने दोनों भाइयों को मिठाई खिलाने वाले हैं, है ना। तो इन्होंने मिठाई ले रखे हैं छह प्रकार के, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये जो 6 मिठाई दिख रहा है, इन मिठाइयों को ये जो बहन है अपने भाइयों को, दोनों भाइयों को खिलाएंगे। लेकिन याद ये रखना है कि जब गीता आएगी, गीता जो है अपने भाइयों, इनके दो भाई हैं, इनको मिठाई खिलाएगी, तो इनके पास ऑप्शन कितने हैं, इनके पास 6 मिठाई दिख रहा है। इन 6 मिठाई में से कोई भी दो मिठाई वो अपने भाइयों को खिला सकती है। मान ले जाए सीता जो है, सीता जब आएगी अपने भाइयों को मिठाई खिलाने, तो या तो इस मिठाई को खिलाएगी, इनके साथ कोई भी एक मिठाई लेगी, चाहे तो इस मिठाई को भी ले सकती है, चाहे तो इसको ले सकती है, चाहे तो इसको, चाहे तो इसको, चाहे तो इसको। अर्थात अगर इस मिठाई के साथ कोई भी एक मिठाई का कॉम्बिनेशन करना चाहे तो वो कर सकती है, चाहे तो वो इस मिठाई के साथ कोई भी मिठाई का कॉम्बिनेशन कर सकती है, चाहे तो इस मिठाई के साथ भी कर सकती है। मतलब सीता के पास जो ऑप्शन बहुत सारे हैं, अर्थात 6 मिठाई है, तो उन 6 मिठाइयों को वो कितने प्रकार से खिला सकती है अपने दोनों भाइयों को। सीता के पास ऑप्शन ज्यादा है। जब सीता खिला लेगी दो मिठाई, उसके बाद गीता आएगी, तो गीता के पास तो ऑप्शन कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि उनके पास मिठाइयों की संख्या कम हो जाएगा, क्योंकि दो मिठाई ऑलरेडी सीता ने खिला रखा है, तो इनके पास ऑप्शन कम हो जाएगा। वैसे ही जब मीना आएगी तो इनके पास मिठाइयों की संख्या और कम हो जाएगी। अब मीना के पास ऑप्शन कम है और उनके पास भाई दो है, उनको भी मिठाई खिलाना है। सभी बहन जो है अपने दोनों भाइयों को बराबर बराबर मिठाई खिलाएगी। अब आपको मिठाई यहां पर 6 दिखाई दे रहा है ना, आपको कमेंट करके ये बताना है कि इन 6 मिठाइयों को कुल कितने प्रकार से इन दोनों भाइयों को खिलाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और अगर आप गणित को समझते हैं तो बहुत ही आसानी से आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर तीन बहन है, मिठाइयों की संख्या 6 है, तो दो भाइयों को कितने प्रकार से मिठाइयों को खिलाया जा सकता है। तो आप लोग वीडियो को 2 मिनट के लिए यहीं रोक दीजिएगा और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि वास्तव में सीता, गीता और मीना जो है अपने दोनों भाइयों को मिठाई खिलाना चाहे तो कुल कितने प्रकार से मिठाइयों को खिला सकती है। याद रखना है मिठाइयों की संख्या केवल 6 है, तीन बहन है, दो भाई है, और इनके पास ऑप्शन कितने होंगे, जो भी बहन पहले आएगी उनके पास 6 मिठाई रहेगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अब इनसे पहले मैं आपको यह बता दूं, इस गणित को हम फैक्टोरियल विधि से बहुत ही सरल तरीके से बता सकते हैं, और फैक्टोरियल विधि में आपको एक सूत्र याद रखना है कि उसको हल करते कैसे हैं। जैसे मैं आपको एक सूत्र बता दूं कि इस गणित में हम बनाएंगे कैसे, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सबसे पहले सीता आती है, सीता आएगी, अपने दो भाइयों को क्या करेगी, वो मिठाई खिलाएगी। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं, एक सूत्र बताऊंगा, उस सूत्र के माध्यम से इस गणित को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन का प्रयोग करने वाले हैं, है ना। फैक्टोरियल अगर आपने सुना होगा तो फैक्टोरियल में जब आप कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं तो जितने टोटल संख्या दिया है उनमें से कितने मिठाई को पहले खिला लेना है, इनके आधार पर हम बनाएंगे। तो हमारे पास कुल कितनी मिठाई है, 6 है, सीता आएगी तो उनके पास 6 मिठाई है, उस 6 मिठाई में से दो मिठाई क्या करेगी, वो खिलाएगी। याद रखना है दो मिठाई खिलाएगी, और भाइयों की संख्या कितनी है, दो ही है। अगला, जब पहला बहन सीता ने मिठाई खिला लिया, कोई भी दो खिलाया, कोई भी दो मिटा दिए हमने, ठीक है। अब इन दो मिठाइयों को वो कितने प्रकार से खिला सकती है वो यहां पे निकलने वाला है, हमें तो टोटल पता करना है। अब जब गीता आएगी तो गीता के पास तो 4 मिठाई है, तो उन 4 मिठाई में से कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके हम हल करने वाले हैं, 4 मिठाई में से दो मिठाई खिलाएगी अपने दोनों भाइयों को। तो अब जब दो मिठाई खिला लेगी तो कोई भी दो मिठाई को हम यहां से फिर से मिटा देते हैं, गीता का काम फिर से हो गया, भाइयों की संख्या कितनी है, दो है, तो यहां पर दो लिख देंगे, फिर से हम यहां पर प्लस करेंगे। अब लास्ट में जब मीना आएगी तो इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, केवल दो मिठाई बचा हुआ है, तो ये कितने प्रकार से खिलाएगी, भाई इनके पास तो दो ही मिठाई है,
तो इन दो मिठाइयों को दो प्रकार से खिला सकती है, उससे ज्यादा तो खिला नहीं सकती। या तो इस मिठाई को पहले भाई को खिलाएगी, इसको दूसरे भाई को, या तो इसको पहले को खिलाएगी तो इसको दूसरे को। तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन कितना है, केवल दो ही ऑप्शन है, दो ही प्रकार से खिला सकते हैं। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, टू ऑप्शन है, मतलब दो मिठाई है, दो मिठाई को दो भाई को खिलाना है ना, दो मिठाई है, टोटल दो मिठाई ही है और दो भाई को ही खिलाना है, ठीक है। यहां पर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने डायरेक्ट दो लिख दिया है, कारण आपको बताने वाला हूं कि इसको हम हल कैसे करते हैं। देखिए, यहां पर जब भी इस प्रकार का सूत्र आए तो इसका हल क्या होता है, चलो मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं। यदि हमें एनसीआर इस प्रकार दे दे, है ना, इसका मतलब कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आप फैक्टोरियल हल करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। इस फार्मूला को यदि आपने याद कर लिया तो आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। इसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल और नीचे में होगा एन माइनस, नीचे में जो होगा वो एन माइनस आर करके इनका फैक्टोरियल निकालेंगे, और नीचे में जो रहता है उनका फैक्टोरियल निकालना है। तो नीचे में क्या है जी, आर है, तो आर का फैक्टोरियल निकालेंगे। इस सूत्र को बस आपको याद रखना है और इसी सूत्र के माध्यम से आपका गणित बन जाएगा। तो चलिए, मैंने आपको सूत्र ही बता दिया, अब आपको समझ आ गया होगा, तो आप लोग मुझे हल करके जरूर बताएं कि वास्तव में इसका उत्तर कितना होगा, है ना। तो चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ये मिठाई भी खत्म हो चुका है। अब देखिए, आपको पहले से पता है कि ऊपर में 6 का फैक्टोरियल होगा, लेकिन नीचे में 6 माइनस 2, है ना, 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल होगा, उसके बाद 2 फैक्टोरियल और करेंगे। अभी सूत्र में बताया था, उसके आधार पर आपको समझ आ गया होगा। चलो एक सूत्र को मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, एन सी आर, अगर ऐसा दिया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, या तो एन का फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे में एन माइनस आर का फैक्टोरियल करेंगे, यहां पर फैक्टोरियल हो जाएगा, और लास्ट में जो नीचे में दिया रहता है उसका और फैक्टोरियल, ठीक है, ये समझ आया होगा। इस सूत्र का उपयोग हम करने वाले हैं, ठीक है, ये सी है, याद रखिएगा। यहां पर देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6 को फैक्टोरियल करेंगे, लेकिन हमको पता है कि नीचे में क्या आने वाला है, नीचे में 6 माइनस 2 मतलब 4 फैक्टोरियल आने वाला है, और यहां पर कितना है, नीचे में क्या होगा, सूत्र के आधार पर देखिए, आर का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल अलग से फिर आएगा, ए लो, ठीक है। ऊपर में हम फैक्टोरियल का मतलब क्या करते हैं, उसको घटते क्रम लिखते हैं, जैसे 6 गुणित 5, 5 गुणित 4, उसके बाद 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 करेंगे, लेकिन चूंकि नीचे में 4 फैक्टोरियल है तो इसको हम 4 फैक्टोरियल तक फैलाएंगे और यहीं पे रोक देंगे। उसके बाद देखिए, ऊपर में 2 का गुना अलग से है तो 2 का गुना हम अलग से कर देंगे, हो गया। यहां पर प्लस है तो प्लस करेंगे, इसको देखिए, ऊपर में तो 4 फैक्टोरियल होगा, ध्यान देना है, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल होगा, उसके बाद होगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे में आते हैं, 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है, 4 में 2 फैक्टोरियल, 2 घटाएंगे पहले, 4 में 2 घटाएंगे तो उसका 2 फैक्टोरियल होगा, और चूंकि नीचे में कितना है, 2 है, तो 2 फैक्टोरियल तो और भी होगा। और देखिए यहां पर क्या है, इसका गुणा करेंगे 2 से, और लास्ट में कितना आ रहा है, केवल 2 ही आ रहा है। अब इसको अगर आप 2 फैक्टोरियल 2 करते ना, तब भी उसका मान कितना आता, 2 ही आता, ठीक है। अब इसको आप हल करके देखें, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को कटा देगा, यहां पर देखिए 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को कटा देगा, ठीक है। अब आपके पास जो संख्या बच गया है उसको हल करके देखिए, यहां पर देखिए 2 फैक्टोरियल का मान तो 2 ही होगा, क्योंकि 2 गुणित 1 होगा। इसको हल करके और देखते हैं, जैसे हमारे पास यहां पर क्या आ गया है, 6 गुणित 5 गुणित 2 बटे में कितना है, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस यहां पर कितना हो गया, 4 गुणित 3, है ना, कट गया है, और यहां पर फिर से गुना कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, नीचे में हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल बचा हुआ है तो ये 2 ही हो जाएगा, इसमें भी 2 फैक्टोरियल है मतलब 2 ही हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। अब इसको आप हल कर देखिए, यहां पर इसको हम क्या कर देंगे, कटा देंगे, इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कट गया, यहां पर भी 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कट गया, खत्म कहानी। यहां पर देखिए आपके पास बच क्या गया, चलो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, जगह कम है तो, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहां पर ऑप्शन कितना बच गया है, 2 और 2 तो हमने कटा दिया, तो 6 पंचे 30, यहां पर कितना बच रहा है, केवल 30 बच रहा है। चाहे तो इसको आप अलग से हल कर लेते तो उसके बाद भी आप गुना करते तो इतना ही आता, प्लस में आ जाते हैं। इसमें देखिए 2 और 2 को कटा दिया, 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुणित 1 करते तो 2 ही आता, इसलिए हमने यहां पर 2 फैक्टोरियल का मान सीधा 2 रख दिया, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, यहां पर कट गया, 4 किया कितना हो रहा है यहां पर 12, प्लस में आते हैं, लास्ट में 2 बचा हुआ है। अब इनको आप जोड़ दीजिए, तो 30 में 12 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, 42 में आपको 2 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 44। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सीता, गीता और मीना यदि अपने
दोनों भाइयों को 6 मिठाइयों को खिलाना चाहे तो कुल कितने प्रकार से खिला सकती है? यहां पर हमने निकाला है 44 प्रकार से। तो निश्चित रूप से आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत ही आसानी से आपको पता चल गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।